हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू लखनऊ नामा अकेडमी माई सेल्फ सदन ऑफिस एंड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट सेकेंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और टॉपिक आज का है कंज्यूमर बिहेवियर एंड यूटिलिटी एनालिसिस तो सबसे पहले हम उसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं मीनिंग क्या होती है बच्चों द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर डिस्क्राइब्स हाउ हाउ कंज्यूमर बाय डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का कह रहा है कि थ्योरी ऑफ़ कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर का बिहेवियर को हम समझेंगे कि कंज्यूमर कैसे डिफरेंट कॉमोडिटीज़ एंड गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है उसके बाद आल्सो एक्सप्लेन्स हाउ अ कंज्यूमर एलोकेट इट्स इनकम इन रिलेशन टू द परचेज़ ऑफ़ डिफरेंट कमोडिटीज़ उसके बाद वो अपनी इनकम को कैसे एलोकेट करता है क्योंकि कंज्यूमर की एक फिक्स्ड इनकम होती है तो वो एक, एक इनकम को अपनी सेविंग में अपने इन्वेस्टमेंट में अपने कंजम्पशन में कैसे कैसे वो एलोकेट करता है हम ये भी पढ़ेंगे एंड द नेक्स्ट इज़ हाउ प्राइस अफेक्ट हिज और हर डिसीज़न किसी भी कमोडिटी का गुड्स एंड सर्विसज़ का प्राइस कैसे उसके डिसीज़न को अफेक्ट करता है जैसे कि uh, किसी जैसे कि विंटर्स में हमारे वुलन uh, वुलन गारमेंट्स के प्राइस क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर क्या uh, कंज्यूमर क्या प्रेफ़र करता है कि वो पहले से ही खरीद ले ठीक है जब मतलब विंटर जब विंटर की स्टार्टिंग हो जाती है तो कंज्यूमर इज़ लाइक कि हम पहले ही खरीद के रख लें क्योंकि हम अगर पीक में खरीदेंगे अगर हम दिसंबर में खरीदेंगे तो हम उसका बहुत ज़्यादा हमें प्राइस में पे करना पड़ेगा फाइन तो इसलिए यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे उसके प्राइस प्राइस के अफेक्ट को प्रभावित करता है एंड देन थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पे दो तरीके की थ्योरी हम पढ़ेंगे कंज्यूमर एक कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे और एक ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच आपका पिगो ने दिया मार्शल ने दिया था मार्शल ने क्या बताया मार्शल ने यूटिलिटी को न्यूमेरिकली फॉर्म में मेज़र किया था लाइक वन टू थ्री फोर इस फॉर्म में जब यूटिलिटी का मेज़रमेंट किया तो उसको क्या बोला गया कार्डिनल अप्रोच बोला गया और इसको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं और जो यहाँ पर यूटिलिटी को न्यूमेरिकली मेज़र करते हैं फाइन एंड देन ऑर्डिनल अप्रोच ऑर्डिनल अप्रोच हिक्सन ने दिया था हिक्सन इन्होंने इन डिफेंस कर्व एनालिसिस में अपनी यूटिलिटी का अप्रोच बताया था और इन्होंने क्या बताया था कि इनकी यूटिलिटी का मेजरमेंट फर्स्ट सेकेंड मतलब रैंक के ऑर्डर में किया जाता था लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से इनकी सेटिस्फैक्शन को बताया जाता था देन कार्डिनल अप्रोच को हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं ब्रीफ में इसका डिस्कशन करते हैं कार्डिनल अप्रोच द यूटिलिटी थ्योरी एक्सप्लेन्स कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू द सेटिसफैक्शन दैट अ कंज्यूमर गेट्स द मोमेंट ही कंज्यूम्स अ गुड कह रहा है कि यूटिलिटी थ्योरी जो कार्डिनल अप्रोच होता है वो ये बताता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे उस के सेटिसफैक्शन को जब वो गुड्स को कंज्यूम करता है तो कैसे उसको सेटिसफैक्शन मिलता है ठीक है उसी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का बिहेवियर हम डिटरमाइन करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ठीक है अब यहाँ पे कार्डिनल अप्रोच में एक चीज़ और थी कि कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेज़र करते थे ठीक है जैसे किसी को जो भी यूटिलिटी मिल रही है फाइन लाइक uh, like, uh, अगर एक कंज्यूमर ने एप्पल का कंजम्पन किया जैसे टेन कंज्यूम फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया तो उसको टेन यूटिलिटी मिली सेकेंड एप्पल कंज्यूम किया तो ट्वेंटी यूटिलिटी मिली तो आप इसका मेज़रमेंट किस में करोगे यूटिल्स में करोगे यहाँ पे आप यूटिल्स में इसका मेज़रमेंट करोगे एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ यूटिलिटी वी रिफर टू द सेटिस्फैक्शन एंड बेनिफिट्स दैट अ कंज्यूमर डेराइव्स ऑफ इस कंजम्पशन कह रहा है कि जब हम यूटिलिटी की बात करेंगे तो हम ऑब्वियसली कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन की बात आ जाती है क्योंकि कंज्यूमर की यूटिलिटी उसके सेटिस्फैक्शन पर ही डिपेंड रहती है उसके बाद आपका ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यूनिट ऑफ मेजर यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल्स यूटिल्स में मेजरमेंट होता है उसके बाद दो तरीके की यूटिलिटी होती हैं दो तरीके की यूटिलिटी कौन कौन सी होती हैं एक टोटल यूटिलिटी होती है एक मार्जिनल यूटिलिटी होती है टोटल यूटिलिटी टीम इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ़ सटिस्फैक्शन ऑफ प्लेजर पर्सन डराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग सम स्पेसिफ़िक कह रहा है टोटल से तो समझ में आ ही रहा होगा कि टोटल सेटिस्फैक्शन कह रहा है कि जितना कंज्यूमर को टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं टोटल यूटिलिटी कहते हैं फाइन जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि इफ़ द फर्स्ट आइसक्रीम गिव्स यू अ सेटिस्फैक्शन ऑफ ट्वेंटी टी यू ऑफ टू आइस इज ट्वेंटी प्लस दैट इज थर्टी सिक्स फाइन जब आप फर्स्ट आइसक्रीम को कंज्यूम किए तो आपको ट्वेंटी यूटिल्स मिल रहा था सेकेंड को कंज्यूम किए तो सिक्सटीन मिल रहा था जब इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको थर्टी सिक्स मिल रहा था थर्टी सिक्स इज़ वन टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला ये देख लीजिए टी यू एन मतलब जितने भी आपको यूटिलिटी मिली है उन सब का समिशन जब आप कर लोगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी एक और तरीका होता है टोटल यूटिलिटी फाइंड करने का आ, वो मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी फाइंड होती है ये होता है जब आप सिग्मा मतलब तो जितनी भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है जितनी भी मिल रही है आप उसका क्या कर लोगे समेशन कर लोगे प्लस कर लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा टी यू हो जाएगा उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी समझते हैं क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल यूटिलिटी yeah, कहीं पे भी अगर आपका वर्ड मार्जिनल आ रहा है लाइक मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल कॉस्ट तो आप हमेशा क्या करोगे एडिशनल वर्ड से आप क्या करोगे डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हो लाइक like, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी कह रहा है कि जब आप एक और यूनिट का कंजम्पशन करते हो जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में हम लोगों ने समझा था कि आ, सबसे पहले उसको कंजम्पशन में कितना यूटिल्स मिल रहा था फर्स्ट एप्पल के कंजम्पशन में ट्वेंटी यूटिल्स मिल रहा था सेकंड एप्पल के कंजम्पशन फर्स्ट एप्पल के कंजम्पशन में टेन था सेकेंड एप्पल के कंजम्पशन में ट्वेंटी था तो टेन और ट्वेंटी एडिशनल यूनिट उसको कितनी मिली फर्स्ट में टेन मिली थी सेकेंड में ट्वेंटी मिली एडिशनल कितनी मिली टेन मिली ना तो टेन इज़ वॉट मार्जिनल यूटिलिटी फाइन अब यहाँ पे टीम एम यू कैन बी कैलकुलेटेड इज एम यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं एम यू एन इज़ इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वेन ठीक है TUN minus TUN minus उसके बाद आपका आता है एम uh, MU को एक और तरीका होता है एक और तरीके से टी से भी कैलकुलेट किया जाता है बच्चों टी कैसे चेंज इन टी जो भी आपका टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है अपॉन चेंज इन क्वांटिटी जो भी ये आएगा वो आपका क्या हो जाएगा टोटल यूटिलिटी हो जाएगा अब उसके बाद क्या है आपका अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक शेड्यूल और एक डायग्राम से समझते हैं पहले हम एक शेड्यूल से समझते हैं शेड्यूल में क्या है कि आइसक्रीम का कंजम्पशन हो रहा है ठीक है आइसक्रीम का कंजम्पशन हो रहा है सबसे पहले फर्स्ट आइसक्रीम जब उसने कंज्यूम करी तो टोटल यूटिलिटी मिली उसको ट्वेंटी क्योंकि यहाँ पर कोई अदर यूटिलिटी uh, नहीं मिल रही है इसके पहले उसने ज़ीरो कंजम्पशन किया है यहाँ पे ज़ीरो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी तो इसलिए यहाँ पे एज एट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ जाएगी ट्वेंटी जो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी होगी वही यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी फाइन अब उसके बाद सेकेंड जब आइसक्रीम उसने कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी उसको कितनी मिली थर्टी और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई सिक्सटीन आ गई कैसे आई है जब आप थर्टी सिक्स को ट्वेंटी से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा सिक्सटीन आ जाएगा उसके बाद थर्ड आइसक्रीम जब कंज्यूम किया तो फोर्टी सिक्स यूटिलिटी मिली अब फोर्टी सिक्स को जब थर्टी सिक्स से माइनस करोगे तो क्या जाएगा? 10 आ जाएगा तो टेन तो आ जाएगा फोर आइसक्रीम जब कंज्यूम किया तो फिफ्टी यूटिलिटी मिला फिफ्टी को जब फोर्टी सिक्स से माइनस करोगे तो फोर आ जाएगा फिफ्थ आइसक्रीम पे उसको फिफ्टी यूटिलिटी मिली फिफ्टी को जब फिफ्टी से करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा उसके बाद आपका सिक्स आइसक्रीम का जब कंजम्पशन किया तो फोर्टी फोर मिला जब फोर्टी फोर को फिफ्टी से माइनस करोगे तो माइनस सिक्स आ जाएगा ठीक है आई होप नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड द नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ द टेबल एनालिसिस ऑफ द टेबल टेबल को मैंने एनालाइज़ किया है कैसे एनालाइज़ किया है आप देख रहे होंगे जब टी यू राइजेज एम यू फॉल्स जब आपका टी यू बढ़ रहा है देखिए टी यू यहाँ पर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, है ना टीफ ट्वेंटी था थर्टी सिक्स था फोर्टी सिक्स था एम तो, यू क्या हो रहा है गिर रहा है है ना ट्वेंटी हुआ सिक्सटीन हुआ टेन हुआ फोर हो गया उसके बाद टी यू एट मैक्सीम लेवल जब टी यू का मैक्सीम लेवल आ रहा है टी यू कब मैक्मम है फिफ्टी फिफ्टी के देखिए यहाँ पर टी यू क्या है मैक्सीम है तो एम यू क्या हो जा रहा है यहाँ पर ज़ीरो हो जा रहा है फाइन उसके बाद टी यू फॉल्स वेन एम यू नेगेटिव कह रहा है कि टी यू गिर रहा है जब यहाँ पे देखिए टी यू आपका जब गिर रहा है तो एम यू क्या हो चुका है नेगेटिव हो चुका है और एक इन जनरल बात बताई है मैंने कि टी यू इन जनरल इंक्रीज विथ क्वान्टिटी आप जैसे जैसे क्वान्टिटी को बढ़ाते जाओगे टी यू आपका क्या होगा बढ़ता जाएगा ठीक है अब टी यू इफ़ टी यू इंक्रीजेज ये रिलेशनशिप है ठीक है यहाँ पे टी यू और एम यू का रिलेशन है टी यू इंक्रीज जब आपका टी यू बढ़ेगा तो एम यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ पे देखिए जब आपका टी यू बढ़ रहा है तो एम यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एम यू इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो है ना जब यहाँ पे एम यू बढ़ रहा है तो ग्रेटर देन जीरो है उसके बाद जब यहाँ पे एम यू गिर रहा है तो टी यू आपका लेस देन ज़ीरो है यहाँ पे देखिए लेस देन ज़ीरो है माइनस सिक्स हो गया है उसके बाद इसको मैंने एक डायग्राम से समझाया है टी यू और एम यू को डायग्राम ये है आपका ये देखिए टी यू का डायग्राम है आ, आ, वाई एक्सेस पे आई हैव टेकिंग टोटल यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम एंड ऑन द एक्स एक्सेस यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम फाइन एंड टोटल यूटिलिटी आपको पता है कि आ, बढ़ रही है ठीक है एक स्टेज पे आके वो क्या हो रही है ऐसे ऐसे बढ़ रही है एक स्टेज पे आकर क्या हो रही है कांस्टेंट तो हो जा रही है जब वो कांस्टेंट है तो वो क्या हो जा रही है मैक्सिमम है यहाँ पे देखिए जब ये कांस्टेंट हो रही है तो ये क्या हो रही है मैक्सिमम हो जा रही है फाइन अब उसके बाद यहाँ पे देखिए वही चीज़ मैंने इसको डायग्राम से समझाया है उसको आप रिलेट करेंगे तो आपको ईजली समझ में आ जाएगा टेबल और डायग्राम को जब आप रिलेट करोगे तो आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी यहाँ पे देखिए मैक्सिमम टी यू है मैक्सिमम यहाँ पर टी यू हो गया उसके बाद फिर मैक्सिमम होने के बाद टी यू क्या हो रहा है गिरने लग रहा है ये यह देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है मैक्सिमम होने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम हो गया टी यू आपका उसके बाद टी यू क्या हो रहा है फॉल होने लग रहा है फाइन uh -huh. अब उसके बाद मैंने टी यू हेल्प से मैंने एम यू का डायग्राम बनाया है कैसे बनाया है ये भी देखते हैं ठीक है जब आपका टी यू क्या है मैक्सिमम है मैक्सिमम जब आपका टी यू होगा तो आगे से एक लाइन एक्सटेंड करी है मैंने जो आ कर के नेक्स्ट डायग्राम को नेक्स्ट डायग्राम के एक्स एक्सेस को टच टच किया है जहाँ पर आपका ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी है कैसे यहाँ पर एक्स एक्सेस पे मैंने लिया है यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम वही टी यू के डायग्राम के जैसे एंड वाई एक्सेस पे मैंने लिया है एम यू ऑफ आइसक्रीम अब आपने देखा होगा ऊपर टेबल में कि एम यू आपका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है गिर रहा है है ना पहले ट्वेंटी था सिक्सटीन हुआ फिर उसके बाद टेन हुआ फोर हुआ ज़ीरो हो गया माइनस सिक्स हो गया कंटिन्यूसली आपका टी यू क्या हो रहा है गिर रहा है तो यहाँ पर भी देखिए वो आपका एक डायग्राम बनेगा फॉल होते हुए बनेगा जहाँ पर आपका जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका ज़ीरो हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा मैक्सिमम होगा Fine. उसके बाद क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा ज़ीरो के बाद यहाँ पर देखिए ज़ीरो के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा उसके बाद ये आपका ये किसका डायग्राम हो गया तो, मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम हो गया आई होप नाव इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू और अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज़ बताइएगा और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ़ ताकि हम आपको ईज़ली नोट्स वगैरह एंड आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें थैंक यू सो मच हैव अइस डे गुड बाय